मैं पूर्वांचल के डॉक्टर मास्टर गोट फार्म के ओनर डॉक्टर संजय कुमार मोल बोल रहा हूँ। जैसा कि मेरे हाथ में देख रहे हैं, आज की तारीख में इन लोगों का ईटी प्लस टीटी का टीका जो है लगने जा रहा है, और ये 100 ml है, और 100 ml में एक बकरी को 2 ml हम लगाते हैं। मैं आज आपको बताऊंगा कि अपने बकरियों को ईटी प्लस टीटी का टीका क्यों लगाना चाहिए और कैसे लगाना चाहिए। बहुत से हमारे भाइयों का कमेंट है कि डॉक्टर साहब आप कैसे टीका लगाते हैं, कब कब लगाते हैं। हम उसी बात को लेकर के आज मेरा टॉपिक होगा कि ईटी प्लस टीटी और टीका लगने से क्या लाभ है, बकरियों में क्यों लगाना चाहिए। तो आज ईटी प्लस टीटी का टीका हम लगाएंगे। टीके मुख्य रूप से आपके 4 होते हैं, जिसमें आज ईटी टीका लग रहा है इसको इंट्रोटॉक्समिया, जो आप आँत का जहर बन जाता है और उससे निजात पाने के लिए हम ईटी प्लस टीटी का टीका लगाते हैं। फिर आपका एफएमडी का आता है, जो खुरपका मुंहपका हिंदी में कहते हैं, तो उसका भी टीका लगता है, लग चुका है इन बकरियों को। उसको मैं बता दूं कि वह टीका आपका खुरपका मुंहपका बरसात के सीजन के पहले जो है कि लग जाना चाहिए, जो इन बकरियों को लग चुका है, और वह टीका आपका इंट्रामस्कुलर लगता है, मांस में डीप इंट्रामस्कुलर। उसके बाद से आपका टीका एक PPR आता है, जो रानी खेत कह लीजिए, जैसे मुर्गियों का आता है, उसे बकरियों का PPR है। तो PPR का टीका भी इन लोगों को लग गया है, हम हर साल लगाते हैं, लेकिन एक बार लगता है तो 3 साल पे, मतलब आप नहीं भी लगाएंगे तो काम चल जाएगा, लेकिन हर साल हम PPR का टीका लगाते हैं, और ईटी टीटी और FMD 6 महीने पे लगता रहता है। तो इस तरह से आज ये मेरा टीका का टॉपिक था, जिसमें हम आज ईटी प्लस टीटी का लगाएंगे। अब हम आपको बता रहे हैं कि ईटी प्लस टीटी का टीका हम लगाते कैसे हैं, प्रैक्टिकली करके मैं दिखा रहा हूँ। तो ये आपका देखिए था, इसको देर तक नहीं रखना है, ये आपका जो है बॉटल है, इसमें बर्फ रखा गया, मैं बर्फ में से निकाला और प्लस ये इसका सील तोड़ा, और सील तोड़ने के बाद आप देखेंगे कि मेरे हाथ में बहुत सारे जो है और भी हैं, डिस्पोजल सिरिंज है। मैं एक बकरी को एक डिस्पोजल सिरिंज से लगाता हूँ, ये मेरा मतलब प्लस पॉइंट है, और आपका भी ये होना चाहिए कि एक बकरी को एक ही डिस्पोजल सिरिंज से लगाना चाहिए, ताकि जो इन्फेक्शन इनके में है दूसरे बकरी को ना फैले, ये सावधानियाँ। तो इस तरह से मैं देखिए, अब मैं दवा को भरने जा रहा हूँ, ये दवा को उठाया, और ये देखिए मैं इसमें इंटर किया, और 2 ml देखिए इसमें मैं दवा को लूँगा, 2 ml। दोस्तों नमस्कार, मैं पूर्वांचल के डॉक्टर मास्टर गोट फार्म के ओनर डॉक्टर संजय कुमार मोल बोल रहा हूँ। जैसा कि मेरे हाथ में देख रहे हैं, आज की तारीख में इन लोगों का ईटी प्लस टीटी का टीका जो है लगने जा रहा है, और ये 100 ml है, और 100 ml में एक बकरी को 2 ml हम लगाते हैं। मैं आज आपको बताऊंगा कि अपने बकरियों को ईटी प्लस टीटी का टीका क्यों लगाना चाहिए और कैसे लगाना चाहिए। बहुत से हमारे भाइयों का कमेंट है कि डॉक्टर साहब आप कैसे टीका लगाते हैं, कब कब लगाते हैं। हम उसी बात को लेकर के आज मेरा टॉपिक होगा कि ईटी प्लस टीटी और टीका लगने से क्या लाभ है, बकरियों में क्यों लगाना चाहिए। तो आज ईटी प्लस टीटी का टीका हम लगाएंगे। टीके मुख्य रूप से आपके 4 होते हैं, जिसमें आज ईटी टीका लग रहा है इसको इंट्रोटॉक्समिया, जो आप आँत का जहर बन जाता है और उससे निजात पाने के लिए हम ईटी प्लस टीटी का टीका लगाते हैं। फिर आपका FMD का आता है, जो खुरपका मुंहपका हिंदी में कहते हैं, तो उसका भी टीका लगता है, लग चुका है इन बकरियों को। उसको मैं बता दूं कि वह टीका आपका खुरपका मुंहपका बरसात के सीजन के पहले जो है कि लग जाना चाहिए, जो इन बकरियों को लग चुका है, और वह
टीका आपका इंट्रामस्कुलर लगता है, मांस में डीप इंट्रामस्कुलर। उसके बाद से आपका टीका एक PPR आता है, जो रानी खेत कह लीजिए, जैसे मुर्गियों का आता है, उसे बकरियों का PPR है। तो PPR का टीका भी इन लोगों को लग गया है। हम हर साल लगाते हैं, लेकिन एक बार लगता है तो 3 साल पे, मतलब आप नहीं भी लगाएं तो काम चल जाएगा, लेकिन हर साल हम PPR का टीका लगाते हैं। और ETTT और FMD 6 महीने पे लगता रहता है। तो इस तरह से आज ये मेरा टीका का टॉपिक था, जिसमें हम आज ET+TT का लगाएंगे। अब हम आपको बता रहे हैं कि ET+TT का टीका हम लगाते कैसे हैं, प्रैक्टिकली करके मैं दिखा रहा हूँ। तो ये आपका देखिए था, इसको देर तक नहीं रखना है। ये आपका जो है बॉटल है, इसमें बर्फ रखा गया, मैं बर्फ में से निकाला और प्लस ये इसका सील तोड़ा, और सील तोड़ने के बाद आप देखेंगे कि मेरे हाथ में बहुत सारे जो है और भी हैं डिस्पोजल सिरिंज है। मैं एक बकरी को एक डिस्पोजल सिरिंज से लगाता हूँ, ये मेरा मतलब प्लस पॉइंट है। और आपका भी ये होना चाहिए कि एक बकरी को एक ही डिस्पोजल सिरिंज से लगाना चाहिए, ताकि जो इन्फेक्शन इनके में है दूसरे बकरी को ना फैले, ये सावधानियाँ। तो इस तरह से मैं देखिए, अब मैं दवा को भरने जा रहा हूँ, ये दवा को उठाया और ये देखिए मैं इसमें इंटर किया, और 2 ml देखिए इसमें मैं दवा को लूँगा, 2 ml मैं भरने जा रहा हूँ और 2 ml भरूँगा, 1.5 ml प्लस ये 2 ml दवा हो गई। अब इस 2 ml को देखिएगा मैं कैसे अपने बकरी को लगाऊंगा। और ये सावधानी के लिए देखिए, मैं इस दवा को फिर इस फ्रिज में रख रहा हूँ, ठीक है। अब वो पानी में बर्फ में चला गया, और ये देखिए मैं दवा को अपने लगा रहा हूँ। ये मेरी बोर नस्ल की बकरी है, ज़रा बेटा पकड़ना इसको, मदद करना, और इसको जो है पकड़ो। अब इसको दूर, इसको देखिए मैं, ये सबकट लगेगा यानी चमड़ी में लगेगा। तो ये उठाया और ये इंटर किया, इंटर करने के बाद देखिए मैं दवा इंटर कर रहा हूँ। ये प्रैक्टिकली मेरा रहता है, लोग कहते हैं टीका लगाएं, तो भैया मैं डायरी तो मेंटेन करता ही हूँ, लेकिन मैं प्रैक्टिकली वीडियो भी बना देता हूँ, ताकि आपको ध्यान रहे कि यहाँ से जो भी बकरियाँ मिलेंगी सुरक्षित मिलेंगी। बस ये किया और इसको थोड़ा सा ठोंक दिया। इस तरह से आपने देखा कि सबकट में बकरी को ला के आज जो मेरा टीका ET+TT का है मैं लगाया। एक बकरी को और लगा के आपको दिखा देता हूँ, फिर आप किस तरह से लगाते रहेंगे। फिर मैं दूसरा डिस्पोजल सिरिंज, देखिए मैं इसको डिस्ट्रॉय के मैं फेंक रहा हूँ, देखिए फेंक दिया, दूसरा दीजिएगा। ये दूसरा डिस्पोजल सिरिंज मैं फिर लिया, इसको फाड़ा और फिर मैं ये इंटर किया, 2 ml ही लेना है, 2 ml मैंने लिया, ये देखिए 2 ml हो गया। अब मैं चल रहा हूँ अपने कल्लू जी के पास, और इस तरह से बकरियाँ ये बधी रहेंगी, तो इससे ये लाभ होता है कि मुझे एंट्री होने दीजिए, ठीक है। मैं आ रहा हूँ अपने कल्लू जी के पास, बधी रहेंगी तो इससे ये लाभ होगा कि आप डबल डोज नहीं करेंगे। तो थोड़ा सा ये सब सावधानियाँ हैं। ये देखिए मैं कल्लू जी के पास आ गया, और सब कट मुझे लगाना है, तो देखिए चमड़ी को खींचा और यूं इंटर किया, देखिए मैं इंटर कर दिया हूँ, ये चमड़ी खींचा है, और देखिए इसमें मैं इंटर कर रहा हूँ। इस तरह से आप भी लगा देंगे और ठोक देते हैं कि दवा मिल जाए। बस दोस्तों आज इतना ही, आशा रही, पूरी विश्वास करते हैं कि आप अपनी बकरियों को भी ऐसे टीका लगा के सुरक्षित करते रहेंगे चारों टीके। और भविष्य में मेरे दोस्तों, मैं बार बार कहता हूँ, 24 घंटा ऑनलाइन रहता हूँ, 5-6 प्रजातियाँ मेरे पास, कभी भी आइए देखिए समझिए और बकरी ले जाइए। दूसरी बात ये है कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत और जय बकरी पालन।